मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में चुनावी आगाज किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आम तौर पर विकास की बात करने वाले सीएम नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश ने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों के साथ चर्चा करते हैं, काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगे हैं, लेकिन हम लोगों के विरोध में जो है आप उन लोगों का हाल देखिए, उनकी भाषा सुनिए, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मेरे बारे में भी क्या नहीं बोलते बताइए साहब। जेल में क्यों बंद है? कोई ऐसे ही जबरदस्ती जेल में बंद किया कि कोर्ट के आदेश से सजा मिली है तब जेल में बंद है, और कोई जमानत पर घूम रहा चार्जशीट दायर है, और क्या हम लोगों के ऊपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? अरे विरोध करना है विरोध करो, ये तो अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन भाषा तो ठीक होनी चाहिए। और समाज में जो कट्टा पैदा करने की कोशिश हो रही है, हम लोग तो चाहते हैं समाज में प्रेम शांति और सद्भावना का भाव। जमुई के एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने चिराग के लिए वोट मांगा। ताकत मिल जाए, सत्ता में सत्ता हासिल कर लो, और उसका सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेवा हासिल करो, धनार्जन करो, ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, हम लोगों की प्रवृत्ति और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। वहीं सीएम की रैली से चिराग पासवान भी गदगद नजर आए और उन्होंने भी सीएम नीतीश की तारीफों में पुल बांध दिए। 5 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना थी, मात्र 5 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश भर में खोलने की बात थी। इन 5 मेडिकल कॉलेज के लिए निरंतर रशाकशी चल रही थी तमाम सांसदों में, हर कोई प्रयासरत था कि उनके क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज खुले, उनकी लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खुले, पर उन 5 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज यही हमारी लोकसभा में खुलने जा रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसी क्रम में साथियों, तमाम और ऐसी योजना है, रेल से जुड़ी योजना है, रेल विभाग का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सैकड़ों करोड़ों की लागत से उन्होंने कई योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतारने का कार्य किया। जमुई की जनता सीएम नीतीश के वादों पर एतबार कर चिराग पासवान को दोबारा चुनती है या नहीं, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल जमुई के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है, देखना है जनता उनके किस्मत का क्या फैसला करती है। गोविंद कुमार, बिहार।